पानी का बहाव देखो यहाँ पर कितना तेज है, इससे मुझे डर लग रहा है आगे जाने में, उधर जाने में। हेलो नमस्ते, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ बाय हार्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हम कहीं जा रहे हैं, हमका मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, हम अभी निकले हैं घर से, हम कहीं जाने के लिए और मैं दिखाऊंगी ज़रूर आपको। और सेम कलर का टी शर्ट पहना है, ग्रे कलर का, मैचिंग मुझे मैचिंग वाले कपड़े पहनना बहुत पसंद है। और ये जो टी शर्ट है, टॉप है, ये मुझे मेरे दी ने दिया था, तो दी थैंक यू सो मच, और देखो मैंने पहन लिया आज, कैसा लग रहा है बताना। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वहाँ का, वहाँ की जो सीनरीज है ना वो बहुत ऑसम है। मैंने सुना है ऐसा, मैं गई नहीं हूँ, है हमारे देहरादून में ही है पर मेरा कभी जाना नहीं हुआ वहाँ पे, तो वैसे भी लॉकडाउन की वजह से कहीं निकलना हो नहीं रहा है आजकल। तो सिर्फ आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं वहाँ पर, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ कि वहाँ का कैसा है माहौल और वहाँ के सीन्स कैसे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। वहाँ पर देखो कैसा काला काला मौसम हो रहा है, यानी कि बारिश वाला मौसम हो रहा है। ये कहाँ होगा, मसूरी साइड होगा मेरे ख्याल से। कहाँ कहाँ, अच्छा जहाँ पे हम जा रहे हैं शायद उसी साइड। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के, क्योंकि अभी जहाँ पर हम हैं वहाँ पे ना धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मुझे वहाँ देख के अभी से बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि शायद वहाँ पे ऐसा ही मौसम होगा। हम आ चुके हैं यहाँ पर और जगह का नाम है माल देवता। ये देहरादून का एक अच्छा खासा पिकनिक स्पॉट है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई मंदिर वगैरह होगा जो देवता के नाम से, तो यहाँ पर मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सीनरीज हैं बहुत अच्छी अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर, और उधर की साइड एक छोटा सा जंगल है, वहीं पर लोग पिकनिक्स मनाते हैं। तो अभी हम गए नहीं है वहाँ पर, हम यहाँ पर आए, मुझे यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इधर का, और ऊपर वो वाला जो पॉइंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला पॉइंट। तो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए रुक गई थी। तो आगे इस तरीके की सड़क है, और जहाँ से हम आए हैं वहाँ से है, तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। जैसा कि हमको वहाँ से दिख रहा था ना काला काला वाला मौसम, तो वैसा ही मौसम हो रहा है। और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक्चुअली देखने आई थी यहाँ पर कि यहाँ का जो पिकनिक स्पॉट है वो कैसा है, और आज मैंने ये वाला अटायर पहना है, ये शूज़ और जेगिंग्स विद द शर्ट, और ये शर्ट मैंने अभी आपको बताया मुझे दीदी ने दिया है। तो आई हूँ मैं अपनी स्कूटी पे, मेरी राम प्यारी है ये, हम इसी पे आ गए। और जब हम बच्चों के साथ आएंगे तब हम बड़ी गाड़ी में आएंगे, इसलिए आज सिर्फ हम दोनों थे तो मैंने सोचा कि स्कूटी पे ही चलते हैं। और
अभी बस हम यहाँ पर क्लिक करेंगे 4-5 फोटोज़, और उसके बाद हम आगे जाके थोड़ा सा देखेंगे कि कैसा है वहाँ पर। नदी वगैरह भी है शायद यहाँ पे ना, तो नदी वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसा है। तो चलिए फिर चलते हैं। फिर से आ गई मैं, और अभी मैं जहाँ पर आई हूँ आप देख रहे हो मेरे पीछे नदी है, बहुत लंबी है आगे तक। ये है एक पिकनिक स्पॉट, यहाँ पर आप पिकनिक कर सकते हैं आराम से। तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए आवाज़ भी आ रही होगी आपको मेरे पीछे नदी की। तो ये एक पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर आप पिकनिक मना सकते हो फैमिली के साथ आकर, और इन्जॉय कर सकते हो। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पर, पहाड़ है, और दिखाती हूँ आपको, वो देखो वहाँ पर ऊपर की साइड। और क्योंकि मौसम बहुत अच्छा आ रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है, और मज़ा तो आ रहा है लेकिन गर्मी भी हो रही है, पसीना आ रहा है मुझे। तो चलिए फिर देखते हैं नदी में। उतर चुके हैं नदी में, पानी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, इतना ही पानी है, ज़्यादा नहीं है, पर मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि मैं नहीं आती हूँ ऐसे नदियों में, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है पानी, मतलब ऐसे इस टाइप के पानी से। क्या क्या कर लो, अच्छा तो मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूँ जहाँ पे कम पानी है, वहाँ पे शूट करूँगी। पानी का बहाव देखो यहाँ पर कितना तेज है, इसलिए मुझे डर लग रहा है आगे जाने में, उधर जाने में, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ बस अपनी जगह के पास, और वो भी इनके साथ खड़ी हूँ मैं, क्योंकि मुझे डर लगता है बहुत। वहाँ पे बैठी हूँ मैं और वो मेरी जगह फिक्स हो गई है, मैं वहाँ से हिल नहीं रही हूँ बिल्कुल। चलो वापस, मैं वापस आ गई यहाँ पे, पत्थर पे बैठ गई क्योंकि मुझे आगे डर लग रहा था, पानी का बहाव बहुत तेज़ है और मेरे कपड़े भी पूरे गीले हो गए। तो मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी, बस यहीं से दिखा दूँगी आपको कैसा कैसा है सीन्स। ये देख लो आप, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, लग रहा था कि बहुत कम है लेकिन वहाँ पर बीच में ना बहुत ज़्यादा पानी है, और मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे को डर लग रहा था। तो मैं आ गई यहाँ पर बैठने के लिए। अब Thank you.
हम निकल चुके हैं यहाँ से। अब बहुत अच्छा लगा आज आउटिंग करके और थोड़ा सा फ्रेश हो गया है और जगह इतनी अच्छी है कि आप अगर कभी देहरादून आएंगे, मतलब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इस जगह पर ज़रूर आइएगा। बहुत प्यारे प्यारे व्यूज हैं, जो नेचर लवर है उनके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, आई वाज टोटली एंजॉयिंग और मुझे मन नहीं कर रहा था घर जाने का। लेकिन आप देख रहे हो शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो घर तो जाना ही था। इस तरीके से आ जाऊँ खाने के बाद, मतलब शायद दूसरी या तीसरी बार हम लोग इस तरीके से घूमने आएंगे, बट हम हमेशा सबको लेकर ही जाते हैं साथ में। तो बहुत अच्छा लगा, मैं आपसे सुधार सकती हूँ क्योंकि घर में एक्चुअली मैं यहीं से ब्लॉग का एंड कर रही हूँ क्योंकि घर में फिर बच्चों को परेशान करने के लिए शायद हम जैसे वीडियो शूट करने का टाइम ना मिले। तो अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ उसको बहुत भरपूर वाला प्यार देना प्लीज़, और बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, है ना। तो सपोर्ट करते रहना और जय उत्तराखंड, देखते रहना मेरी वीडियोस। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल जेफ बाय हार्ट को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको पता है कि क्या करना है, प्रेस द बेल आइकॉन और उसके साथ जो तीन ऑप्शन आते हैं उसमें पहला ऑप्शन जिस पर लिखा होता है ऑल, उसको क्लिक करिएगा प्लीज़। और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मिलती हूँ आपके साथ अगली रेसिपी, अगले ब्लॉग के साथ या अगली लाइव में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।